शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कैसे सीड से। तो कैसे सीड हम देख रहे हैं कि 6600 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6600 के ऊपर आज भी सस्टेन हो रखा है। और अच्छी बात यह है आज कैसे सीड के फरवरी वादे में कि 6738 का हाई लग चुका है अब तक, और कैसे सीड में 0.1% की तेजी भी बनती नजर आ रही है। हमारे चैनल के माध्यम से, मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से जितने भी एक्सपर्ट्स थे सब यही बता रहे थे कि कैसे सीड के अंदर 6500-6600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वो सारे लेवल अचीव हुए और अब कैसर यहां से 6700 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। कैसर सीड 6700 के ऊपर भी हाई लगा चुका है। तो आज के कारोबारी सत्र में कैसर सीड में कैसा रुझान रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कैसर सीड 6500-6600 के बाद अब 6700 के ऊपर का हाई लगा चुका है, आपको क्या लगता है क्या यहाँ पे अभी कुछ दिन तक टेस्टिंग रहेगी या फिर एक तरफा तेजी कैस्टर में बनी रहेगी? देखिए, कैस्टर में अभी तेजी बनी रह सकती है और ऊपर में 6800 तक का एक अपसाइड मोमेंटम अभी फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो 100-150 रुपए का अपसाइड है करंट लेवल से देखने को मिल सकता है, क्योंकि फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है और इन लेवल्स के ऊपर अब डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई दी है। करेक्शन के बाद एक बार फिर से खरीदारी आती हुई नजर आई, अब ये खरीदारी सस्टेनेबल लग रही है। तो यहाँ से 6800 तक का टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 7000 के टारगेट भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि कैसे में देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, देख रहे हैं कि बिनौला खल भी एक सीमित दायरे में है, आपको क्या लगता है क्या बिनौला खल यहाँ पे अभी 3000 के नीचे लुढ़क सकता है? देखिए, बिनौला खल की अगर बात करें तो बिनौला खल में करेक्शन देखिए आ सकती है, लेकिन 3000 एक अहम सपोर्ट है नीचे में, अगर उसको ब्रेक नहीं करता तो वहां से वापसी होती हुई दिखाई दे सकती है और मार्केट में एक बार फिर से खरीदारी लौट सकती है। तो मेरे हिसाब से एक बार 3000 का सपोर्ट लेकर इसमें बना रहना चाहिए और एक बार तेजी वापस से बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि बिनौला खल एक्सपायरी के बाद मुझे लगता है कि अगले महीने का जो वायदा है वो एक बार तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए 3000 का सपोर्ट और या फिर यूं कहें कि स्टॉप लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ये सर, रूपा जी बात करें अगर मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करेंगे जीरे की, तो जीरे में कल को हमने 21000 का भी हाई लगते हुए देखा, लेकिन वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली, लेकिन जो आज भी जीरा है 20800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। धनिये में देख रहे हैं 10800-10900 के लेवल्स हैं और हल्दी भी अब कुछ हल्की सी बढ़त दिखाती नजर आई है, आपको क्या लगता है क्या आज इंट्राडे में मसालों में तेजी रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल इंट्राडे में मसालों में तेजी का ही रुझान है और अभी अपसाइड मोमेंटम मसालों के अंदर देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छे खासे पिकअप हो रहे हैं जिसके चलते तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि जीरा भी एक बार अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो वहीं हल्दी और धनिया भी एक तेजी की तरफ ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। तो मसालों में हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चलना चाहिए और आगे अच्छा खासा मोमेंटम पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में देख रहे हैं सीमित दायरे में ही कारोबार दर्ज किया जा रहा है, लेकिन पहले से कुछ बढ़त भी बनती नजर आई है, धीरे धीरे हल्की हल्की स्लो एंड स्टेडी करेक्शन, हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है, हल्की सी बढ़त भी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है क्या ये सीमित दायरे वाली बढ़त अब फिर से बनना शुरू हो गई है? देखिए, बिल्कुल ग्वार के अंदर तेजी है और ग्वार में भी अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 12000-13000 का अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। डिमांड अच्छा खासा दिखाई दे रहा है इन लेवल्स के ऊपर और सस्टेन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेट हो चुका है यहाँ पर मार्केट, तो यहाँ पर एक पुशअप आता हुआ दिखाई दे सकता है जो कि 12000-13000 तक देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि विदेशों के अंदर काफी शानदार बढ़त बनती नजर आई है। US सोयाबीन वायदा $1600 के ऊपर जा चुका है,
कल के कारोबारी सत्र की बात करें तो कल के कारोबारी सत्र में यही सोयाबीन वायदा यूएस सोयाबीन फ्यूचर $1570 पर ट्रेड करता नजर आ रहा था, यानी कि लगभग 35 से $40 की जो बढ़त है वो एक ही दिन के अंदर बनती नजर आई है। घरेलू वायदा की बात करें तो एनसीडीएक्स पर भी सोयाबीन दो दिन पहले 6750 तक जाती नजर आई थी और आज देख रहे हैं 6620 के आसपास ट्रेड करती नजर आ रही है। रूपा जी, आपका क्या मानना है, जिस तरह से ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के हालात देखने को मिल रहे हैं और उत्पादन अनुमान में लगातार कटौती की जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है, इसी बीच भारत में घरेलू में वायदा में और हाजिर में सोयाबीन की कीमतें आगे क्या रह सकती है, कितनी मंदी तेजी दिखला सकती है सोयाबीन? देखिए, सोयाबीन की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है विदेशी बाजारों में और 35 महीने के अपने हाई पर पहुंच चुका है मार्केट, और इंटरनेशनल मार्केट का जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी वजह से बाजारों में एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। और अभी फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में उतनी तेजी नहीं आई है जितनी विदेशी बाजारों में देखने को मिली है। सस्टेनेबल हो रहा है मार्केट ऊपरी स्तरों पर, और यहाँ से अब जो 6600-6700 का हमने सोयाबीन का स्तर देखा है ये अब 6800 तक मैक्सिमम और 7000 तक की तेजी फिलहाल पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है जिस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन में बाइंग की तरफ रहा जा सकता है, लेकिन छोटी मोटी खरीदारी की जा सकती है करेक्शन आने पर। 6800 तक का इमीडिएट टारगेट हम देख सकते हैं, 6800 के बाद 7000 का टारगेट इसमें लिया जा सकता है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से विदेशों में जो तेजी बनती नजर आ रही है उसका असर घरेलू स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि सेबी ने जो बैन लगाया था कि इंट्राडे में पोजीशन नहीं बना सकते हैं, उसकी वजह से जो थोड़ी जो पार्टिसिपेशन है सोयाबीन में वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि सरसों मंडियों में आ चुकी है नई सरसों और सोयाबीन का जो वायदा बाजार है वो तस का मस बना हुआ है, ऐसी एज इट इज़ बना हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं जब भी नई सरसों की आवकें आती हैं तो सोयाबीन का वायदा बाजार और हाजिर में जो कीमतें हैं वो लुढ़क जाती हैं, लेकिन इस बार उल्टा होता नज़र आ रहा है। इस बार जो कीमतें हैं वो मंदी की जाने की बजाय तेजी की ओर जाती नजर आएंगी, ऐसा भी जानकारों का मानना है। इसी के साथ रूपा जी, बात करें अगर लहसुन की, तो लहसुन में देख रहे हैं मंडियों में कुछ बढ़त बनना शुरू हुई है, अब देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल मांग है आगे निकलने की बात कही जा रही है जितने भी लहसुन के व्यापारी है, क्योंकि पहले क्या था, पहले सर्दियां थी तो लहसुन सूख नहीं पाता था, लेकिन अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे सर्दियां खत्म हो रही है, थोड़ी बारिश है, लेकिन मार्च महीने के अंत तक बता रहे हैं कि जो लहसुन की डिमांड है वो बढ़ सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या डिमांड निकलने से लहसुन में कुछ तेजी बन पाएगी? अगले देखिए, प्रोडक्शन अच्छा खासा है और डिमांड अगर थोड़ा सा पिकअप भी होती है तो प्राइसेस के अंदर बहुत ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है आगे, क्योंकि विंटर सीजन की डिमांड भी नहीं है और गर्मियों में थोड़ी खपत कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर दबाव बना रहेगा, बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद ना करें, ना ही बहुत ज्यादा भी यहाँ पर गिरावट बनती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल एक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए, इंट्राडे की बात करें तो मसालों के अंदर खरीदारी करें, मसालों के अंदर एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और वहीं कैस्टर के अंदर भी बाइंग करके चला जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि आज सुबह की कार्रवाई सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार एनसीडीएक्स कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एम सीवी पर। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।